अदाब, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शिराज। जैसे कि 12वीं क्लास के जो बच्चे लगातार इंतज़ार कर रहे थे रिज़ल्ट का, और आज रिज़ल्ट आ चुका है। हम आज बठिंडी में एक फैमिली के साथ मौजूद हैं, जो हमारे साथ एक बच्ची है मलिहा, उसके 93% आए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आपके आज 93% आए हैं। खुश हूँ, आई एम हैप्पी कि ठीक है, ठीक अच्छा रिज़ल्ट आ गया है। किस प्रकार से आपने मेहनत की? बहुत सी मुश्किलात भी आती है इसके दौरान। एज इफ तो लास्ट के 2 मंथ्स ज़्यादा प्रैक्टिस किया था मैंने सब कुछ। मेनली तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। बाकी कौन से स्कूल से स्कूल में पढ़ते थे आप? मुबारक मंडी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल था। अच्छा पढ़ाया जी। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर आपने 93% लाना, ये तो एक अच्छी बात है जी। लोग तो जो प्राइवेट स्कूलों में भी जो पढ़ते हैं वो नहीं ला पाते हैं, तो आपने एक सरकारी स्कूल में पढ़कर एक अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो क्या कहना चाहें, किस प्रकार से मेहनत की थी? बहुत सी मुश्किलात भी आती हैं। जहाँ तक मेरे को पता है कि गवर्नमेंट स्कूल डिपेंड नहीं करता तुम किस स्कूल में हो, वही फ़र्क पड़ता है कि कितनी मेहनत कर रहे हो तुम, किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस कर रहे हो, और लाइक वही कि तुम्हारी खुद की सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। आपने क्या सोचा है कि अपनी लाइफ में क्या करना है? कुछ एक एम होता है कि मैंने ये जॉब करनी है, ये बनना है? एज इफ तो MBBS के थ्रू शायद मैं सोच रही हूँ कि नीट करूँ, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ठीक है, MBBS की तरफ, नीट की तरफ सोच रही हूँ मैं। तो यहाँ पे इस बच्ची के जो फादर हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शबीर है जी। तो सर क्या कहना चाहेंगे, आज आपकी बच्ची ने अच्छे जो मार्क्स लिए हैं? सर माँ बाप की तो यही रहती है कि माँ बाप बच्चे को अच्छी तरह से सेल्फ स्टडी, बच्चे ने ही पढ़ाई, इसकी मेहनत है, सब कुछ है। सर माँ बाप तो अपनी तरफ से एफर्ट्स करते हैं, कोशिश करते हैं, ट्यूशनें अच्छी हों, कोचिंग अच्छी हो, तो बच्चों का ये सारी कंट्रीब्यूशन जो है मेरे बच्चे की है। मेरा तो इसमें नहीं है, बच्चों का ही है कि बच्चे अच्छा पढ़ें, अच्छा अपनी तरफ से, बाकी जो भी मेहनत है वो बच्चे की मेहनत है। कहीं ना ये क्या, माँ बाप का एक बहुत सपोर्ट होती है माँ बाप की बच्चों को, कि कहीं ऐसे होता है कुछ, अगर कई बार बच्चे का जो दिल है वो ऐसे हल्का पड़ जाता है कि हमसे होगा नहीं होगा, तो माँ बाप भी बहुत सपोर्ट करते हैं बच्चों की? हाँ नहीं, माँ बाप तो सपोर्ट करते हैं सर। वैसे भी हमारे बच्चे, मेरी बेटी जो है खासकर, हमने कभी इनको इम्पोज नहीं किया किसी चीज़ के लिए, जो भी चीज़ हुई वो अपनी तरफ से मैनेज की, हर चीज़ जो है मैनेज की। बाकी जितना भी कंट्रीब्यूशन है जो भी है वो बच्ची का है, क्योंकि बच्ची मेहनत कर रही है, बच्ची का अपना है कि बच्चे को अच्छी तरह फोकस करे, अच्छी तरह स्टडी करे, फिर उसका रिजल्ट आपके सामने होता है सारा। सर वो जनाब के सामने ही है जो भी रिजल्ट है इसका। चलो हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकें। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बच्ची की मदर से भी बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप, आज आपकी बच्ची ने अच्छे नंबर हासिल किए हैं? मैं बहुत खुश हूँ, अच्छे नंबर ले लिए इसने। पढ़ती थी, मेहनत करती थी, रात को जाग जाग के पढ़ना, सुबह उठती थी खुद ही, पहले मैं खुद कराती स्टडी, अब ये खुद पढ़ती है। 10th तक मैंने खुद करा कराया इसको, उसके बाद ये खुद करती है, सेल्फ स्टडी करती है, और थर्डली पढ़ा इसने, अच्छे से पढ़ा। तो ये थे हमारे साथ एक फैमिली बठिंडी की जो रहने वाले हैं, ये इनकी बच्ची ने 93% जो हासिल की है। आप देखते रहे द वर्क न्यूज़, कैमरामैन सदीक अहमद।